मेरा नाम तृप्ता चौधरी है और मैं 62E सादतपुर वार्ड से खड़ी हुई हूँ और मेरा एजेंडा यही रहेगा कि जो हमारी गलियों की समस्या है उनको दूर किया जाए, जो बच्चे खेलने कूदने के लिए बाहर जाते हैं उनके लिए कोई सुविधाएँ नहीं है तो उन्हीं के लिए हम लड़ाई लड़नी है। ईडीएमसी में जब कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी कई तरीके के ऐसे काम हुए जिसके लिए कहीं कांग्रेस के मन में मलाल रह गया, जैसे कि आपने सुना भी होगा आपसे पहले प्रत्याशी से जब हम सवाल कर रहे थे तो बात घोटालों की आई थी, उसके लिए ईडीएमसी में किस तरह की आवाज उठाने की तैयारी है आपकी और कांग्रेस पार्टी की? जी वो तो बैठ के ही एक बार बैठक फिर तय होगी जब भी कुछ बता पाएंगे, अभी आई हैव नो आइडियाज। आपने अपने मन में क्या विचार किया क्योंकि जनता के साथ हमेशा ही होता है जब ये घोटाले होते हैं, क्या आप जनता की लड़ाई के लिए पार्टी का मुंह देखेंगी या अपनी तरफ से कुछ करेंगी? जी जो सही मुद्दे होंगे उन्हें आगे लाया जाएगा और जो कार्रवाई की जाएगी जो भी होगी वो पूरी करी जाएगी। यदि आप जनता आपको चुना चुनते निगम में भेजती है तो आपका पहला कार्य क्या रहेगा? पहला कार्य यही है कि जो गलियों की समस्या है, जो बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है, बच्चे बहुत मुश्किल से स्कूल से घर जाते हैं, उन चीज़ों को गौर दिया जाएगा। सभी जो कैंडिडेट हैं ये बुनाने के चक्कर में लगे हुए नहीं सर, यही सबसे ज़्यादा उस तरफ इलाके में कोई विकास अभी तक हुआ नहीं है, जितने भी अभी बीजेपी और जो ये झाड़ू जो आम आदमी पार्टी आई है उन्होंने अभी तक ऐसा कोई कार्य किया नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशानियाँ उठानी पड़ी है जनता को। थैंक यू।